हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का एक लेदर जैकेट है, देखिए रेड और ब्लैक कलर में है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का जो लेदर है वो ये देखिए पूरा बिगड़ चुका है। अब ये पहनने के बिल्कुल भी काम में आने वाला नहीं था, क्योंकि इसकी दोनों स्लीव और इसकी बैक पे जो ब्लैक लेदर है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो मैंने सोचा कि इसको फेंक देने से तो अच्छा है कि इसका कुछ DIY किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इसकी जो स्लीव है वो निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी दोनों स्लीव को निकाल लिया है, ये बिल्कुल काम की नहीं है, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब ये जो रेड कलर का जो बाकी का लेदर है उससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको सीजर की हेल्प से सेंटर से हम कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से सेंटर से हमें इसको कट कर लेना है और इसको दो पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में काट लिया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो स्लीव वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से काट के अलग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस कपड़े को स्क्वायर में कट करना है। तो ऊपर की तरफ से भी हम इसको सीधी लाइन में कट कर लेंगे और नीचे की तरफ ये जो इलास्टिक दिया है उसको भी मैं निकाल लूँगा। तो ये देखिए इस तरह से स्क्वायर में मैंने इसको कट कर लिया है। अब मेरे पास इस तरह का ब्लैक कपड़ा है जो जैकेट की अंडर की तरफ लगा हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने दो पार्ट में कट कर लिया है। इसको इस तरह से मोड़ के ग्लूगन की हेल्प से मैं स्टिक कर दूंगा। अब जो रेड वेलवेट का फ्रंट है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और ग्लूगन की हेल्प से ये जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा है उसको हमें इस तरह से स्टिक कर लेना है। आप ग्लूगन की हेल्प से इसको स्टिक भी कर सकते हैं या तो फिर मशीन के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चारों तरफ से हमें इसको स्टिक कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, स्टिच कर लिया है अच्छे से। अब इसको हम पलट लेंगे, देखिए इस तरह से। अच्छे से हमें इसको पलट लेना है। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा जो कुशन कवर है वो रेडी हो चुका है। लेदर कुशन कवर है ये, इसमें ये जिप भी है, रिमोट या कुछ और छोटी बड़ी चीज़ें भी हम इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल वेस्ट जो जैकेट था उसमें से हमने यहाँ पे ये कुशन कवर बना लिया है। इस तरह से वेलक्रो की जो पट्टी है उसको हम ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं और इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। तो कुशन कवर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर हम कुशन फिलर को फिल करते हैं। तो इस तरह से हमें कुशन कवर को अंदर डाल लेना है। ये देखिए हमारा प्यारा सा कुशन कवर रेडी हो चुका है। काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल ये लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार था, इसको फेंक ही देना था। तो इससे अच्छा है कि इससे इतने प्यारे से कुशन कवर बन गए। सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा कुशन कवर भी बना लिया है। हमने जो दो पार्ट में कट किया था उससे मैंने ये दो कुशन कवर यहाँ भी बना लिए हैं, ये देखिए।
इस तरह से मैंने जो लेडर की चेयर है उसके ऊपर इसको रख दिया है। रेड कलर का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।